कनक काव्या हैप्पी फैमिली में स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही के छोले। तो दही के छोले बनाने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया है कढ़ाई में तेल, और तेल के साथ ही हमने ले लिया यहाँ पर तेज पत्ता, जीरा, खड़े मसाले कुछ लिए हैं, जैसे हमारी काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, सफ़ेद इलायची हो गई, और जो भी खड़े मसाले होते हैं जैसे जावित्री वगैरह, वो सब हमने लेकर इसमें यहाँ पर गरम तेल में डाल दिया है। और दोस्तों ये हल्का सा हमारा जैसे ही भुनेगा वैसे ही हम इसमें अपना प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने महीन महीन चॉपर से चॉप कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज को। तो दोस्तों यहाँ पर प्याज आ गई है, अब हमने यहाँ प्याज डाल दिया। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छे से। फिर हम उसमें डालेंगे अपना चॉप किया हुआ टमाटर। तो यहाँ पर अब हम टमाटर लेते हैं 3, इनको चॉप कर लिया है। उसी के साथ हमने इसमें 2-3 हरी मिर्च डाल दी थी, उनको भी चॉप कर लेते हैं, और अच्छे से ये हम अपना टमाटर प्याज वाला मसाला भून लेते हैं। दोस्तों थोड़ा लाइट इशू हो गया था, लाइट चली गई थी। इस टाइम गर्मी चल रही है दोस्तों, अप्रैल का ही महीना है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। ये 30 अप्रैल का वीडियो बना हुआ है फ्रेंड्स। इतनी गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा पावर कट हो रहा था। अब इसी के साथ हमने हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर को डाल दिया। अब हम ये मसाला अपना जब तक सारा तेल ना रिलीज कर दे तब तक भून लेंगे। उसी के साथ हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे मसाला जले नहीं, और उसके साथ हमने डाल दिया यहाँ पर 1 कटोरी भरकर दही। दही डालने से हमारा छोला इतना स्वादिष्ट बनेगा दोस्तों कि आप कहोगे वाओ। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने छोले उबाले थे उनको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और अच्छे तरह से मैं इन सबको भून लेती हूँ। जब तक हमारे छोले भूनते हैं दोस्तों, इसके बाद हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। अगर लोगों को इतनी ही गाढ़ी सब्जी चाहिए तो आप इसमें रसा मत डालिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए होगा पुलाव के साथ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी बना ली है। देखिए कितना अच्छा खोल आ गया है। उसी के साथ हम यहाँ पर कस्तूरी मेथी और साथ में ही हम अपना हरा धनिया इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके ही साथ हम यहाँ पर अपना छोला मसाला डाल देंगे, और फिर हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। साथ में ही हम इसके बनाते हैं पूड़ियाँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूड़ियों का डो मैंने लगा के रख दिया था आटे को, और साथ में बना ली हैं पूड़ियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी हमारी फूली फूली पूड़ियाँ बनी है। मेरे बच्चों को इसी तरह की छोटी छोटी पूड़ियाँ पसंद हैं, तो मैंने यहाँ बच्चों के लिए पूड़ियाँ बनाई। लेकिन मेरा मेन प्रोसेस था आपको छोले की सब्ज़ी दिखाना, कितने सरल तरीका छोले की सब्जी बना। तो दोस्तों अगर मेरी ये छोले की रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से कोई भी छोले की रेसिपी बना सकता है। और यहाँ पर आज मैंने कुछ कैमरे को रख के दिखाना चाहा कि मैं खुद को भी दिखा सकूं, लेकिन फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरे घर की लोकेशन ऐसी है, किचन मेरा छोटा सा है, तो अगर मैं यहाँ पर लाइटिंग दिखाती हूँ तो कुछ नहीं दिख सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों मैंने वीडियो इस तरह से शूट की है। सभी के घरों में ऐसा होता है, सबका घर परफेक्ट नहीं हो पाता है, किचन नहीं फ्रेंड्स परफेक्ट हो पाता है, कोई नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।